आपका टूर गाइड सुश्रुत चौधरी, आपके साथ मैं रहूंगा, आपके ये जो प्रिपरेशन है ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैं आपके साथ रहूंगा। आज से हमारा शुरू होने जा रहा है एक नया, आप बता सकते हैं इसको एक नया सीरीज बता सकते हैं, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी कवर करते हुए जाएंगे और बहुत कुछ इसके ऊपर हम जानेंगे। ऑब्वियसली ये सारे जितने भी चीजें हम करेंगे इसको हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे, साथ ही साथ में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी सारी चीजें जो हमें समझना है, जानना है, उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिक्स बीड्स एंड बोल्ट्स। तो क्या आप तैयार हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा। जितने भी लोग मेरे साथ हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, आप जरूर बताइएगा। Am I clearly audible and visible, guys? Yes, Gaurav, welcome, good evening, and बाकी जितने भी लोग मेरे साथ हैं सभी को स्वागत है। देखिए, आपके अंदर ये एक सवाल आ सकता है कि एनसीईआरटी अगर हम शुरू कर रहे हैं तो कहां से शुरू कर रहे हैं। तो पहले मैं ये चीज बता दूं, सोनम, अंकित, गौरव, तुम सभी को, कि ये जो एनसीईआरटी का जो आपका जो सिलेबस है वो हम जनरली यूपीएससी के लिए कवर करते हैं 6th to 12th। तो ये इतना लंबा जो इतिहास है उसको हम कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत टाइम पे क्या होता है, रिपीटेशन होता है। मतलब वही चीज आप 7th में भी पढ़ते हो, 8th में भी पढ़ते हो, वही चीज आप 9th में भी पढ़ते हो, तो इसीलिए प्रॉब्लम शुरू होता है। यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी से, क्योंकि यहाँ पे जो इसका इतिहास है वो शुरू होता है हमारा इंडियन हिस्ट्री से। 9th एंड 10th क्लास की जो इतिहास है वो हम लोग देख सकते हैं कि उसका शुरुआत होता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वहां पे हम लोग पहले ही नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया के इतिहास के बारे में। ऑब्वियसली फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल टू मॉडर्न इंडिया हम लोग कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे ही वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। एक के बाद एक सवाल आता रहेगा आपके सामने और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसका आंसर देने की कोशिश करें। गुड इवनिंग एंड वेलकम, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका कुछ स्पेशल जगह है जो आपको पता करना है। यहाँ पे देखिए, टुडे स्पेशल, व्हाट इज देयर इन टुडे स्पेशल क्लास। देखिए यहाँ पे तीन टॉपिक हम लगभग कवर करने वाले हैं। एक है हमारा प्री हिस्ट्री, जहां पे हम लोग स्टोन एज के बारे में बात करने वाले हैं। एक है हम लोग जो अर्बनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन। और तीसरा जो टॉपिक है वहां पे हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे वैदिक एज को। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज को किया जाता है और कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, मैं चाहता हूं शुरुआत से पहले आपको पता चल जाएगी किस किस्म के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछते हैं, तो आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो इसीलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले ही आपसे पूछ लूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल आपके लिए कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, 2017 में पूछा गया ये सवाल। यहां से पूछ रहे हैं कि दो जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर क्या डिफरेंस था। चलिए देखते हैं। यहां पे एक चीज यहां पे पूछा जा रहा है, एक है यहां पे आपका ये, यहां पे बोल रहे हैं कि ऋग वैदिक आर्यंस के बारे में, और एक चीज पूछ रहे हैं इंडस वैली पीपल के बारे में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या था ये पूछ रहे हैं। चलिए ओके, माधवेंद्र, अंकित, मैजिक बेटिंग, सभी को स्वागत है। चलिए पहले हम सवाल का जवाब थोड़ा ढूंढ लेते हैं माधवेंद्र, फिर आपको मैं जवाब दूंगा। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सवाल आपके लिए यहां पे पूछ रहे हैं कि दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस यहां पे दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट जवाब है। तो कौन सा करेक्ट है यहां पे थोड़ा हम देख लेते हैं। यहां पे तीन तीन पूछे जा रहे हैं, तीन यहां पे पूछ रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस यूज कोट ऑफ मील एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। ऋग्वेदिक आर्यंस लोगों को कोट में ऑफ मेल एंड हेलमेट के बारे में क्या पता था, आपको क्या लगता है। दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, व्हेयरएज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। चलिए ये दूसरा स्टेटमेंट में यहां पे बोल रहे हैं। और तीसरा स्टेटमेंट यहां पे दिख रहा है
कि ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। क्या लगता है, ऋग्वेदिक आर्यंस लोग क्या हॉर्स को डोमेस्टिकेट किया था? तीन ऑप्शन आपके, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, यहां से करेक्ट चूज करना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, शायद आपको सवा ऑप्शन सारे दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई साइड। चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन ए यहां पे बोल रहे हैं कि वन ओनली, ऑप्शन ए यहां पे बोल रहे हैं वन ओनली, ऑप्शन बी यहां पे बोल रहे हैं टू एंड थ्री, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे बोल रहे हैं वन एंड थ्री, और ऑप्शन डी यहां पे बोल रहे हैं वन टू एंड थ्री। चलिए बता दीजिए, चार ऑप्शन जो आपके सामने हैं वो मैं आपको मैंने आपको बता दिया है, चार ऑप्शन जो आपके सामने हैं। सोनम आप कोशिश कर सकते हैं, शालीन, माधवेंद्र, अंकित, गौरव, जितने भी लोग मेरे साथ हैं सभी लोग कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये तीन जो स्टेटमेंट्स हैं, इन तीन स्टेटमेंट से कौन सा सही स्टेटमेंट आपको लगता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2017 का ये सवाल थोड़ा बड़ा हो चुका है, मतलब इट हैज टेकन टू मच स्पेस। चलिए मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा यहाँ पे जो अपना जगह है ये थोड़ा ऑफ कर देता हूं ताकि और भी अच्छे से विजिबल हो, और यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, आप फटाफट से जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग फटाफट से जवाब दे दीजिए फिर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे पूछ रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस इनको कोट ऑफ नील एंड हेलमेट का इस्तेमाल करना ये लोग जानते थे कि नहीं। दूसरे सेंटेंस में पूछ रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर ये जानते थे कि नहीं। तीसरे स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। चलिए कोई बात नहीं, ये सवाल जो है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये चीज थोड़ा मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सवाल का जवाब देख लेते हैं और अगले सवाल पे चले जाते हैं, दैट विल बी अ गुड वन, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ इसका जो जवाब होगा इसमें बोल रहे हैं कि आंसर होगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट वन एंड थ्री आर करेक्ट, ठीक है। तो जितने भी लोग आप सोच रहे थे कि ऑप्शन वन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वन एंड थ्री करेक्ट होगा, उनके लिए बहुत खुशखबरी कि यही आपका सही जवाब है। 2017 में ये पूछा गया, यह सवाल का सही जवाब हमें मिल गया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, यहां पे मैं काम करता हूं, यहां पे मैं अपना थोड़ा पिक्चर ऑफ कर देता हूं ताकि आप सभी को दिख पाए जितना भी है, ठीक है। बाकी मैं समझा देता हूं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ऑब्वियसली आप अगर हमारे टेक्स्टबुक के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाते हैं तो वहां पे आपको ये सारे जितने भी पीडीएफ्स हैं ये सब कुछ मिल जाएंगे, आराम से आप घर बैठ के इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी आपको मिल रही है वो आप ले सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला स्टेटमेंट जो बताया गया है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑप्शन वन इज करेक्ट, यहाँ पे बोल रहे हैं ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, ये बिल्कुल सही है जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडस वैली के लोगों को कॉपर के बारे में पता था, उनको गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में पता था, लेकिन उनको किसी भी तरीके से आयरन के बारे में पता नहीं था। तो ये जो चीज है ये आपको दिमाग में रखना है जब भी आप आंसर करेंगे। तीसरा जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एविडेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ हॉर्स, देखिए सरन मैम प्लीज लिसन टू मी, अंकित, सोनम, संस्कृति, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, वेलकम, सभी को स्वागत है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, ये जो हॉर्स वाला सीन है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। इंडस वैली में या हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे इतिहासकार का मानना ये है कि यहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन दो चीजें हमें याद रखना है, एक है कलीबंगन, ये जो शहर है यहां से हमें एक टॉय मिला है, घोड़े का पुतला मिला है, तो टेराकोटा टॉय है, मिट्टी से बना हुआ ये पुतला है। तो यहां से एक चीज तो श्योर है कि भाई उस टाइम पे जो लोग थे वो लोग गूगल का इस्तेमाल नहीं जानते थे, उस टाइम पे उन लोगों के पास नेट का इस्तेमाल
नहीं था, इसलिए वो लोग किसी भी तरीके से और किसी सोर्स के थ्रू घोड़े को नहीं देख सकते हैं। तो उनके सामने घोड़ा कभी आया होगा या उन्होंने यूज किया होगा तभी वो ये टॉय बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पार्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है सुतका गेंदोर बोल के एक जगह है, सुतका गेंदोर बोल के एक जगह है जो हमारा गुजरात में है, सॉरी ये है हमारा बलूचिस्तान में, और एक है सेम नाम का, ऑलमोस्ट सेम नाम का, वो है सुत कोटादा। काफी टाइम पे क्या होता है कि दोनों नाम जो है जंबल अप हो जाते हैं। ये वाला है हमारा गुजरात में, तो ये वाला है हमारा गुजरात में, यहां से हॉर्स बोन्स मिले हैं। तो ये दो जो चीज है ये हमको थोड़ा रख के चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, होपफुली ये आपके लिए काफी ज्यादा विजिबल होगा। यहां पे पूछ रहे हैं कि रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर से सवाल पूछा जा रहा है, 2011 में ये सवाल पूछा गया था। पूछ रहे हैं कि दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहे हैं दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं। चलिए दोस्तों जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी को स्वागत है हमारा। यहाँ पे जो दूसरा सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शायद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडस वैली को कंसिडर करते हैं तो ये दो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। चलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है पूछ रहे हैं, फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये लोग जो है सेक्युलर सिविलाइजेशन थे। सेक्युलर सिविलाइजेशन, क्या हम इंडस वैली के लोगों को सेक्युलर सिविलाइजेशन बोल सकते हैं? और दूसरी चीज जो यहाँ पे हमें जानना है वो है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो यहाँ पे दो चीज पूछा जा रहा है, एक है उस टाइम के जो धर्म था, जो रिलीजन था उसके बारे में, और दूसरा जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है उस टाइम के जितने भी लोग थे उन लोगों को कॉटन के बारे में पता था कि नहीं। सोनम, अंकित, माधवेंद्र जितने भी लोग हैं, संस्कृति जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कोशिश करें इस सवाल का जवाब देने का। 2011 में पूछा गया ये सवाल आपके लिए, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन जितने भी लोग मेरे साथ हैं। चलिए देख लेते हैं क्या जवाब होगा आप लोगों का, यहाँ पे क्या जवाब होगा आप लोगों का, फटाफट से जवाब दे दीजिए। ऑप्शन ए बोल रहे हैं वन ओनली, ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि टू ओनली, सी बोल रहे हैं वन ऑन टू बोथ, एंड ऑप्शन डी बोल रहे हैं नीदर वन नॉट टू। तो दोनों ही गलत है बोल रहे हैं। अंकित का जवाब हमें मिल चुका है यहाँ पे, और कितने जवाब हमें मिलना बाकी है देखना है, और कोई कोशिश करना चाहेगा तो फटाफट से कर दीजिएगा क्योंकि हमारे सामने काफी सारे क्वेश्चन हैं। आज हम ये जो सेशन ये एनसीईआरटी के ऊपर शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगी कैसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सर, सर एंड मैम, ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वन जो है वो भी सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है वो भी सही है। चलिए बहुत ही बढ़िया, संस्कृति, सोनम, अंकित ने बहुत ही बढ़िया ट्राई लिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों मैं अपने तरफ से आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि पहले जो दो सवाल है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यू हो गया जहां पे हमने देखा कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगला जो क्लास है हमारा वो टुमारो है, शाम को 7 बजे से हम लोग फिर से जुड़ जाएंगे इतिहास के साथ, तो वो क्लास में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से मैनेज हो पाए। मेरा नया नया क्लास है, ठीक है, तो आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूं, कोई भी भूल चूक हो रहा है तो जरूर जरूर आप हमें माफ कर दीजिएगा। चलिए अंकित जो है वो हिंदी मीडियम से है। चलिए अंकित देखिए मैं आपको जरूर बता दूंगा हिंदी में एक सवाल का क्या ट्रांसलेशन होगा या कोई भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैं हिंदी में बताना चाहूंगा। चलिए
स्टेटमेंट वन इज करेक्ट यहां पे बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट में क्या था कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग सेक्युलर थे कि नहीं, देख लेते हैं इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। यहां पे बोला जा रहा है कि हरप्पन जो लोग थे वो लोग काफी ज्यादा नेचर के ऊपर भरोसा करते थे। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये भगवान का कॉन्सेप्ट पूरा ही डर के ऊपर है? मतलब कोई आपको बता दे कि भाई ऐसा मत करो, वो ऊपर वाला आपको देख रहा है। डोंट यू थिंक सो दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज ऑल अबाउट योर फियर? मतलब जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, जो फियर आपके अंदर है, उसी के वजह से आप भगवान को मानते हो, क्या आपको नहीं लगता है ऐसा? तो एक्चुअली क्या है संस्कृति, एक्चुअली क्या है सोनम, उस टाइम पे जब लोग भगवान को पूछते थे, वहां पे उनको उतना आइडिया नहीं था कि ये भगवान क्या है या कौन है। उनको लगता था कि ये जो नेचर है शायद यही भगवान है, क्योंकि इसी से हम लोग फले फूले हैं, इसी से हम लोग खाना हमें मिल रहा है, इसी पे हम लोग रह रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद ये धरती माँ ही भगवान है। तो उन्होंने क्या किया, उनका डर था ये तूफान से, उनका डर था आंधी से, उनका डर था बारिश से, उनका डर था बाढ़ से। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो सारे नेचुरल फोर्सेस हैं इनको पूजना चालू कर दिया। तो वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि डर के वजह से पूजना चालू कर दिया लोगों ने। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी लोग भगवान को मानते थे, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ बहुत सारा था, लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी को उसके वजह से डोमिनेट नहीं होने दिया। अभी के जो सराउंडिंग्स हम देखते हैं कि इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, कि रिलीजन का एक बहुत बड़ा महत्व है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, लेकिन उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सेक्युलर थे, ये हम बता सकते हैं। तो स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, इट वॉज करेक्ट सर एंड मैम। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे थे, दे वर प्रोबेबली द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, Probably ये लोग जो थे, ये लोग दुनिया में पहले ऐसे लोग थे जिनको कॉटन के बारे में पता था। They knew about the cotton, क्योंकि मोहनजोदारो से हमें ये कॉटन का जो है इसका एविडेंस ऑलरेडी मिल चुका है। चलिए तो हमने देख लिया है काफी सारे सवाल, अभी हम थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे लिए। चलिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक सवाल हमारे लिए रखा गया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो दो लिस्ट हैं, दो एंशियंट साइट्स के लिस्ट हैं, मतलब एंशियंट साइट्स के बोले तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उन्हीं के लिस्ट यहाँ पे रखा गया है, तो कौन कौन से साइट से कौन कौन सी चीजें मिली है? तो ये सवाल आपके लिए फिर से एक बार फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। 2002 में पूछा गया ये सवाल, किसी किसी लोगों के लिए बहुत ही सही है, बहुत ही इजी है, और किसी किसी के लिए बहुत ही कठिन लग सकता है। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार दोनों लिस्टों को देखें, और दोनों लिस्टों को देखने के बाद ये जो कोड है यहां से आप सही जवाब उठा के दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है, एकदम लास्ट वाला ऑप्शन डी आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं सी और डी लिख देता हूं आपको, आप सी और डी यहां से थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है 1, 2, 4 and 3, और ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2, 1, 3 and 4। चलिए फटाफट से जितने भी लोग हैं मेरे साथ जवाब दे दीजिएगा, क्या हो सकता है हमारा इस सवाल का जवाब, 2002 में पूछा गया ये सवाल। चलिए जितने भी लोग मेरे साथ हैं आप जवाब दे सकते हैं मेरे साथ रह के। हमारा ये जो एनसीईआरटी का सेशन है ये हर शाम को 7:30 से 8 बजे तक ये हमारा सेशन 1 घंटे का रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जुड़ जाए, क्योंकि यहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देयर विल बी लॉट मेनी थिंग्स जो हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं भी अपनी तरफ से बहुत कुछ बताऊंगा आपको, और आप भी अपनी तरफ से बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। कोई जवाब मिल सकता है क्या,
क्या लगता है आपको ये जो लोथल है यहां से क्या मिला होगा, क्या लगता है आपको ये जो काली बंगन है यहां से क्या मिला होगा, धोलावीरा बनवाली से क्या मिला होगा? आपने कई बार ये जो साइट साइंस के बारे में पढ़े, आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो साइट्स हैं यहां से क्या मिल चुका है। देखिए दोस्तों, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको हमें पहले समझना है। अगर हम अंधाधुंध पढ़ाई करेंगे तो उससे हमें कुछ नहीं बनने वाला, उससे हम कुछ नहीं बनने वाले, ना ही इस चीज को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा फोकस करना है कि किस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ये साइट से, तो मैं चाहता हूं आप इन चीजों को बड़ी गौर से देखें और बड़ी गौर से इसको सीखें, ठीक है, कि कौन कौन से साइट से कौन कौन सा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिला है। चलिए जवाब देख लेते हैं। जवाब है ऑप्शन बी, जहां पे हम लोग देख सकते हैं 2, 1, 4 और 3 कोड यहां पे मिल रहे हैं। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे बोल रहे हैं कि लोथल जो है वहां से मिला है अपना डॉकयार्ड, ठीक है, मैनमेड जो डॉकयार्ड है वो मिला है लोथल से। यहां पे आपको मैं बता दूं, ये डॉकयार्ड का मतलब है जहां पे जो हमारा जो जहाज है उसको ठीक किया जाता है या पोर्ट ये पार्क किया जाता है, कुछ भी, हम किसी भी हिसाब से डॉकयार्ड को देख सकते हैं। तो डॉकयार्ड जो है वो लोथल में था। इससे हमें एक चीज पता चलता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग, वो लोग मतलब बहुत दूर देशों के साथ अपना जो ट्रेड रिलेशंस है वो बरकरार रखते थे, तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि कालीबंगन से हमें मिला था प्लाउड फील्ड, इसका मतलब है उस टाइम पे वहां पे जितने भी लोग थे उनको पता था कि कैसे कैसे फसल उगाए जाते हैं। धोलावीरा एक बहुत बढ़िया जगह है, फटाफट से बता दीजिए जितने भी लोग हैं मेरे साथ, आप थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा कि धोलावीरा अभी प्रेजेंटली कहां पे इसको हम देख सकते हैं। धोलावीरा जो साइट है इसको प्रेजेंटली हम कहां से देख सकते हैं, आप साइड में जो मैप आपको दिख रहा है उसका भी रेफरेंस आप ले सकते हैं। देखते हैं थोड़ा, जितने भी लोग मेरे साथ हैं क्या आप जवाब दे सकते हैं कि धोलावीरा अभी प्रेजेंट डे पे कौन से देश में है या कौन से राज्य में है, ये अगर बता सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। सोनम, संस्कृति, अच्छा संस्कृति ने एक बात बोला है, उन्होंने बोला है कि सर इट्स मेकिंग डिफिकल्टीज टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आप बताना चाहेंगे मतलब व्हाई यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम संस्कृति? संस्कृति आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये सारे सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रही है, थोड़ा बताएंगे तो मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्लास है ये ऑब्वियसली काफी इंटरेक्टिव होने वाला है। आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं ये सवाल, क्योंकि मैं अपने तरफ से जवाब जरूर दूंगा और आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए मैं तैयार हूं, ताकि आपका जो यूपीएससी का सपना हो वो जल्द से जल्द पूरा हो। सुदीश बोल रहे हैं गुजरात, वाओ बहुत ही बढ़िया सुदीश। अंकित बोल रहे हैं पाकिस्तान, बहुत ही बढ़िया सुदीश और अंकित के जवाब हमें मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सही जवाब आपने दिया है सुदीश, गुजरात हमें है धोलावीरा। आपने अमिताभ बच्चन का वो एड भी देखा होगा गुजरात के ऊपर, गुजरात टूरिज्म के ऊपर। चलिए तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल हमें अक्सर पूछते हैं। देखते हैं 2019 का एक सवाल। देखिए मैंने अभी आपको बोला कि साइट्स के बारे में हमें थोरो नॉलेज होना चाहिए, आप जब भी कभी हरप्पन साइट्स के बारे में पढ़ें तो आप जरूर उसको थोड़ा अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपका सवाल हो सकता है कि सर क्या क्या हम पढ़ना चाहेंगे। देखिए अगर हरप्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं या आईबीसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप साइट्स को उठाएंगे, फिर वहां से सबसे पहले जो है वो किसने आविष्कार किया है, हु डिस्कवर्ड दैट साइट, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू नीड टू हैव। Then you should go through in present day it is where it is situated. अगर present day में हम देखें, present day अगर भारत में हम देखें, पाकिस्तान में हम देखें, generally इन दोनों देशों में ही हम देख सकते हैं, बलूचिस्तान में काफी time में sites मिलते हैं, तो ऐसे अगर देखें तो present day में कहाँ पे वो sites हैं। और तीसरी जो चीज आपको याद रखना है वो है कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी important चीज आपको यहाँ से मिल रही है।
ठीक है, तो संस्कृति, अंकित, सुधीश और जितने भी सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 2019 प्रीलिम्स में पूछा गया, कौन सा हरप्पन साइट है, इनमें से कौन सा हरप्पन साइट्स है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, संस्कृति जैसे आपका ये फर्स्ट लाइव लेक्चर है, वैसे ही मेरा भी ये फर्स्ट लाइव लेक्चर है टेक्स्ट बुक में, तो आप सभी को देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हर शाम को 7 से 8 बजे तक हम इतिहास की कहानी को जानेंगे, परखेंगे और सीखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको पता करना है, याद रखना है। अंकित का जवाब सबसे पहले मिल गया है, सुधीश ने बोला है दिशालपुर, अंकित ने बोला है ऑप्शन बी, और कोई जवाब मिलेगा क्या, और कोई जवाब मिल रहा है, जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैं चाहता हूं कि सभी लोग जवाब दे दें, क्योंकि जितने भी ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज्यादा आप इंटरेक्शन पे आएंगे, उतना ज्यादा मजा आपको भी आएगा, हमें भी आएगा। तो 2019 का ये जो सवाल है उसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरुण कुमार जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी होगा, चलिए अरुण कुमार जी का जवाब मिल गया है, और कोई कोशिश करना चाहता है, बहुत ही सही सवाल है, 2019 में पूछा गया ये जो सवाल है, इससे आपको बहुत ही मजे आने वाले हैं। 19 का ये सवाल, चार ऑप्शन आपके सामने, चानूदारो, कोटदीजी, शगौरा एंड दिसालपुर, चलिए देख लेते हैं फटाफट से क्या होगा अपना जवाब, ऑप्शन सी होगा सरन में, ये जो शगौरा आपके सामने है ये होगा हमारा जवाब, क्योंकि सर ये जो आपका जगह है ये आपका हरप्पन साइट नहीं है। चलिए देख लेते हैं, तो क्या है ये चीज सर, क्या है ये चीज, मैंने आपको कल भी बताया था, कल मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था, लास्ट क्लास जो था, सॉरी सैटरडे को हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, जहां पे हमने इतिहास के बारे में देखा था, और मैंने वहां पे बताया था कि क्यों हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत ही जरूरी बात तो हर कोई बोलता है, हर एक टीचर आके आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेसिक सी चीजों के बारे में बात किया है कि यूपीएससी की तैयारी अगर हम शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग अपने नजरिए से देखें, तो हमें अपने नजरिए से भी देखना है और जरूर दिमाग में रखना है कि यूपीएससी क्या चाहता है हमसे। तो इसी को लेके हमने डिस्कस किया है लास्ट हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें, वहां पे मैंने बात किया है यूपीएससी क्यों चाहती है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमारा ये जो सेशन है वो आज से शुरू होने जा रहा है, तो इस सेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एमसीक्यूज के थ्रू एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन है, ये जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है इतिहास में, सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसको आप थोड़ा जाने परखें और समझे कि कैसे तरीके का सवाल यहां से मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारे हरप्पन साइट्स मैंने दिखा दिए हैं, तो इस मैप को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से जूम करके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि सारे हरप्पन साइट्स कौन से स्टेट में अभी हैं। तो शगौरा जो है ये एक आपका साइट नहीं है, ये जगह का नाम है, ये हमारा यूपी में ये जगह है गोरखपुर के पास राप्ती नदी किनारे, ये जो जगह है यहां से हमें मिला था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये है कोई लेक अगर होता है तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, ये जो लेक होता है इसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज के ऊपर अगर कुछ भी हम लिखते हैं तो उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इस जो ये जो लेक है, ये जो कॉपर प्लेट के ऊपर हम अगर हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। बहुत ही वैल्यूएबल एक सोर्स है दोस्तों, अगर आप पूछते हैं कि सोर्स क्या है सर, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो सोर्स है यही इतिहास का सब कुछ है। देखिए उस टाइम पे ना ही आप थे ना ही मैं था, तो इसीलिए क्या है कि इतिहास का जो कहानी है वो ये सोर्स के ऊपर ही डिपेंड करके बनता है, जितना भी स्ट्रॉन्ग सोर्स होगा उतना अच्छा कहानी बना पाएंगे इतिहासकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो जवाब था ये ऑप्शन सी शगौरा था, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाकी जितने भी साइट्स हैं वो इस मैप में आपको दिख जाएगा, चानूदारो, कोट दीजिए एंड दिशालपुर, अगर अच्छे से आप जूम इन करके देखेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा दिशालपुर। चलिए देख लेते हैं, यहां पे आपको दिख जाएगा दिशालपुर, ठीक है, और यहां पे आपका दिख जाएगा चानूदारो,
ये देखिए चान्हुदारो मोहनजोदारो के ठीक पास में आपको दिख जाएगा चान्हुदारो, यहां पे आपका दिख जाएगा कोट दीजी, तो ऐसे करके यहां पे आपका दिख जाएगा कोट दीजी, तो ऐसे करके हम काफी सारे पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखिए एक टाइम पे हिस्ट्री ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स थे उनको अच्छे से मैप के बारे में पता करना था, तो एक चीज आपको ये भी दिमाग में रखना है कि अगर आप इतिहास को अच्छे से समझना चाहते हैं, इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, कहानी को जानना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो मैप का रेफरेंस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी को लेके भी आपको सोचना पड़ेगा। चलिए 2001 में एक सवाल पूछा गया था, 2001 में एक सवाल पूछा गया था आपके सामने, मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल आपसे फिर से पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर। देखते हैं संस्कृति, सोनम, अंकित जितने भी लोग मेरे साथ हैं, सुधीश जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपना जवाब रखें, क्योंकि ये जो अपना क्लास है ये क्लास में आप आराम से अपना जवाब रख सकते हैं। वैभव आप भी अपना जवाब दे सकते हैं, माधवेंद्र, गौरव जितने भी लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों अगर आप जितना कोशिश करेंगे आप अपना नॉलेज को परखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना आपको जानना और भी बाकी है, तो इतना मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर हर रोज ये लाइव सेशन अटेंड करते हैं तो हमारा ये जो क्लास है इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये जवाब आप देते रहिएगा, इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा दिखा देना चाहता हूं हमारा एक कोर्स आज ही से स्टार्ट हुआ है 26 अप्रैल से। ये जो कोर्स है ये अपना कोर्स है यूपीएससी के एमसीक्यूज के ऊपर, प्रिलिम्स को पॉइंट प्रिलिम्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप जरूर जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं इतिहास आपको पढ़ा रहा हूँ, इतिहास से आपको गाइड दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और भी किसी गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम सारे एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए। जुड़ने के लिए आप कोड SC20 यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उस सवाल का जवाब क्या होगा, कोई कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते हैं। चलिए गेट रेडी टू फाइट, बहुत ही प्यारा नाम है आपका, आपने बताया है डायनोसोरस। चलिए अंकित ने जवाब दे दिया है ऑप्शन ए, दिव्यांग ने जवाब दे दिया ऑप्शन ए, चलिए बहुत ही प्यारा, सुधीश ने बोला है ऑप्शन ए का, बहुत ही प्यारा। और कोई जवाब मिल सकता है क्या, कोई कोशिश करना चाहता है? 2001 का एक सवाल आपके सामने मैंने रखा है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब भी आप तैयारी की शुरुआत करेंगे, आप जब भी तैयारी की शुरुआत करेंगे आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है दोस्तों। एक चीज जो है वो है सिलेबस क्या है, सबसे पहली चीज आपको जानना है सिलेबस क्या है, और दूसरी जो चीज आपको जानना है वो है किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, आप एनडी के लिए तैयारी कीजिए, आप एसएससी के लिए तैयारी कीजिए, आप स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कीजिए, डजंट मैटर, लेकिन आपको पता करना है यही चीज सबसे पहले यही चीज आपको पता करना है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, और दूसरी चीज जो पता करना है वो है उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो इसी को लेके हम आपके सामने आ चुके हैं, आपको कोशिश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको जो करना है हर शाम को 7 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है लाइव इस क्लास में, जहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, हम आपको बता के जाएंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही सही जवाब दिया आपने सुधीश, बहुत ही सही जवाब दिया आपने दिव्यांग, अंकित जितने भी लोग मेरे साथ हैं सभी ने बहुत सही जवाब दिया ऑप्शन ए। तो थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें बहुत सारा सील्स मिलता है, आपने भी पढ़ा होगा काफी सारे जगहों पे, ऐसे ही आप देख सकते हैं काफी सारे सील्स आपको दिख जाएंगे, आपको ऐसे ही काफी सारे सील्स आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप कुछ कुछ एनिमल्स का भी पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स का पिक्चर देख सकते हैं, साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है ना, पिक्टोग्राफिक्स के पे इसको हम बोलते हैं।
ये जो स्क्रिप्ट है ये पूरी तरीके से डिसाइफर नहीं किया गया है, इसको अभी भी काम चल रहा है इसके ऊपर। अगर हम इस चीज को कभी भी डिसाइफर कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत सारी चीजें और भी हम जान सकते हैं सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक टाइम पे कहा जाता था कि इतिहास का सबसे पुराने जितने भी सिविलाइजेशंस हैं उनमें से भी पुराना है ये हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन, लेकिन अभी वो जो टाइटल है वो मायन सिविलाइजेशन को चला गया है। लैटिन अमेरिका में जो मायन सिविलाइजेशन हाल ही में उसका डिस्कवरी हुआ है उसी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है इसका कहानी और भी अलग है। तो कभी हम उसकी भी कहानी बताएंगे आपको, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मायन सिविलाइजेशन आपने सुना था, अगर मेरे साथ जितने भी लोग हैं क्या आप बता सकते हैं, क्या आपने सुना था कि 2012 में हमारा जो दुनिया है वो खत्म होने वाला है? ये चीज किस किस ने सुना जरूर बताइएगा कि हमने, आप जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। लाइव चैट है, लाइव क्लास है, तो आप बता सकते हैं आपने ये चीज अगर सुना है तो प्लीज कमेंट यस और हमने, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये चीज किस किस को पता है। सुधीश ने भी सुना है, अरुण ने भी सुना है। एक्चुअली ये जो कहानी है ये मायन कैलेंडर की कहानी है। देखिए मायन जो लोग थे वो बहुत पुराने लोग थे और उनका जो आविष्कार अभी तक हमने हमारा हमारे सामने आया है, जहां पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली वो लोग साउंड थे, एस्ट्रोलॉजिकली वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो उनकी बहुत सारे किताबें, बहुत सारी जगहों से हमें एक चीज मिला है कि 2012 के बाद कोई भी कैलेंडर का 2012 के बाद कोई भी कैलेंडर का डेट इशू नहीं था। तो इससे क्या लोगों को समझ में आया, समझ में आया कि शायद ये लोग बताना चाहते थे कि 2012 के बाद पृथ्वी में ऐसा कुछ होगा कि हम लोग शायद धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा वो कैलेंडर बना रहा था उसका सडन डेथ हो गया, वो गुजर गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तरीके का जो हमारा व्यूज है वो हम लेके चलते हैं। 2012 में जो दुनिया खत्म होने की कहानी है वो है मायन कैलेंडर का, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। चलिए तो हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसे काफी सारे सील्स और ये सब मिलते हैं, वहां पे काफी सारे ऐसे आपको दिख भी जाएगा, बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं। तो यही चीजें हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया है, 2001 के प्रिलिम्स में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जानवर आपको नहीं दिखता है आपका हरप्पन सील में या हरप्पन किसी भी जगह में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा हरप्पन, ये था हमारा हरप्पा की कहानी, ये था हमारा आईबीसी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली दूसरा जो टॉपिक हमने आज लिया है वो है अपना दूसरा टॉपिक, जहां पे हम वेदिक एज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज थोड़ा हम लोग ब्रशअप कर रहे हैं कि किस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके बाद हम कल से हमारा प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग ये जो जगह है एनसीईआरटी से, खास एनसीईआरटी से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो भी चीज हम लोग दिमाग में रखेंगे, उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ कुछ कहानी, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का ये जो सेशन है ये पूरा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर है। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा जो है वैदिक आर्यंस। आपको सभी को पता है ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, हरप्पन सिविलाइजेशन था इसका हमारा अंत हो गया था, और ये जो सिविलाइजेशन है इसके जगह पे हमारा आया था वैदिक आर्यंस। तो हमारा इतिहास यही बताता है कि ये जो आर्यंस लोग थे ये बाहर से कहीं से आए थे, लेकिन ये हमारे जो जितने भी स्कॉलर्स हैं इनका बहुत सारा मानना है, तो इसके ऊपर काफी सारे थ्योरीज भी आपको दिया जाएगा। देखिए मैक्स मुलर सर ने बोला है कि सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, स्वामी दयानंद जी ने बोला है कि ये तिब्बत से आए थे, मेयर ने बोला ये पामिर से आए थे, फेल्ट ने बोला था तुर्किस्तान, बैक्ट्रिया से बोला था जेसी रॉड, और आर्टिक ओशन से बोला था, आर्टिक रीजन से बोला था लोकमान्य तिलक ने। तो ऐसे काफी सारे थ्योरीज हम देख सकते हैं कि कहां से ये आर्यंस लोग आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है सेंट्रल एशियन थ्योरी बाय मैक्स मुलर। तो ये जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है दोस्तों, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम
कुछ कुछ चीजें बात कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया में क्या होता था, सेंट्रल एशिया में वो ग्रासलैंड था, और ये जो आर्यन लोग थे ये लोग थे पैस्टोरलिस्ट्स, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट्स। तो आर्यन लोग क्या करते थे, आर्यन लोग अपना बहुत बड़ा हर्ड्स बनाते थे, है ना, एनिमल हर्ड्स, एनिमल हर्ड्स। आपने देखा भी होगा बहुत बड़ा बड़ा झुंड, है ना, कभी कभी ये एक झुंड आपका गायों का हो सकता है, कभी कभी ये बुल्स का हो सकता है, तो बहुत बड़े बड़े झुंड में वो लोग क्या करते थे, इसी से इनका गुजारा होता था। ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स इनसे मिलता था, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका मीट इनसे मिलता था, यही से इनका गुजारा होता था, तो इसी से ये लोग सब कुछ करते थे, ठीक है ना। तो पैस्टोरलिस्ट लोग थे हमारा ये आर्यन लोग। तो ये लोग क्या किया, इन लोगों ने जब ये लोग ये मतलब सेंट्रल एशिया में रहते थे, वहां पे उनको थोड़ा सा क्राइसिस फील हुआ, वहां पे उनको थोड़ा सा दिखा कि हाँ सर थोड़ा सा क्राइसिस तो चल रहा है, थोड़ा सा फ्लड लाइक सिचुएशन है, थोड़ा सा फेमिन हुआ है, तो ये लोग क्या किए, वहां से पूरी दुनिया में ये लोग फैल गए। तो वहां से जो लोग इंडिया में आए थे उनको हम लोग कहते हैं इंडो आर्यंस, वहां से जो लोग इंडिया में आए थे उनको हम बोलते हैं इंडो आर्यंस। तो सरन मैम इस चीज को हमें याद रखना है कि आर्यंस लोग बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत सारे इसके मतलब ऐसे क्या बोलते हैं ब्रांचेस थे, जिसमें से इंडिया में जो आए थे उनका नाम था इंडो आर्यंस। आपको ये भी याद होगा कि हिटलर बोलते थे कि हम लोग आर्यन है, जर्मनी में जो लोग हैं वो लोग आर्यन है, हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये चीज जो हिटलर बोलते तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई इंडिया में भी थे वहां पे भी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल एशिया में वो लोग थे और वहां से पूरी दुनिया में वो लोग ऐसे डिवाइड हो चुके थे। चलिए तो यहां से किस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं वैदिक एज से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 2008 में एक चीज पूछा गया जहां पे पूछ रहे हैं कि बुधायन थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा कि क्या पूछ रहे हैं 2008 में। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए हर एक से, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी से चाहिए, ये बुधायन थ्योरम क्या चीज है। चार ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे बोल रहे हैं ऑप्शन ए में लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल है उसके ऊपर है ये थ्योरम। कोई कोई बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ पे और भी कैलकुलेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पूछ रहे हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं मैं चाहता हूं कि फटाफट से आप जरूर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये इस तरीके का सवाल यूपीएससी काफी टाइम पे पूछ लेता है, और हम लोग इसको लेके थोड़ा सा अगर अच्छे से नर्चर करें, इसको अगर सीखना चाहें देखना चाहें तो हमें बहुत कुछ भी पता चल सकता है। इसका जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा दोस्तों तो आपको दिख जाएगा कि इसके क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं और किस तरीके के सवाल इससे और भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं उसके पहले आप जरूर जवाब दे दीजिए, जरूर जवाब दे दीजिएगा। चलिए दिव्यांग का आंसर हमें मिल गया है, संस्कृति का आंसर मिल गया है, अरुण का आंसर मिल गया है, सोनम का आंसर मिल गया है, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। गेट रेडी टू फाइट, उन्होंने भी जवाब दे दिया ऑप्शन ए, बहुत ही बढ़िया, काफी सारे जवाब मिल रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा क्योंकि इसी से हमारा हौसला और आपका प्रिपरेशन दोनों ही आगे बढ़ेंगे। चलिए ऑप्शन ए जो है इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसको तो मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई एम द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, तो आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब यू अबाउट दिस मैथमेटिकल थिंग्स, बट डेफिनेटली अगर आप अपने मेंटर से पूछते हैं, अपने कोच से पूछते हैं तो जरूर वो ये चीज बता सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और पता कर लेते हैं। रिसेंटली हम इसको पिथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, जो चीज बुधायन ऋषि ने हजार बहुत सालों पहले वो बता चुके थे, है ना। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने वही थ्योरी कहा था जो आज पिथागोरस थ्योरम के नाम से बहुत ही फेमस है। तो चलिए इसके ऊपर हम दो तीन चीज और देख लेते हैं। ये जो सूत्र है ये सुलभ सूत्र के नाम से बहुत ही फेमस है, एंड दे आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स इन वैदिक पीरियड।
वेदिक पीरियड में जो हम देखते हैं, वेदिक पीरियड से हम अगर इंडियन की, इंडियन मैथमेटिक्स की बात अगर करें, तो ये इसका एकमात्र जगह, एकमात्र सोर्स है ये हमारा जो सूत्रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल के साथ। 2012 में एक सवाल पूछा गया है, यहां पे पूछ रहे हैं फिर से वेदिक आर्यंस के रिलीजन के बारे में। देखिए, एक पहले हमने रिलीजन के ऊपर सवाल किया था, वो सवाल था हरप्पन सिविलाइजेशन या आईबीसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर। ये दूसरा सवाल आपके लिए यूपीएससी ला रहा है रिलीजन के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स। जो रिलीजन का जो सब टॉपिक है वो ये दो टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स शाम 7 बजे यही YouTube में जब हम लोग शुरुआत करेंगे अपना एनसीईआरटी का कोर्स, जो हम लोग 12th के एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, वहां पे हम लोग ऑब्वियसली फोकस करेंगे रिलीजन के ऊपर। तो चार ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप फटाफट से बता दीजिएगा। भक्ति है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में बोल रहे हैं कि इमेज वर्शिप और यजनस, ऑप्शन सी में बोल रहे हैं वर्शिप ऑफ नेचर और यजनस, और ऑप्शन डी में बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ भक्ति। तो आप जितने भी लोग हिंदी मीडियम से, उनको मैं बता दूं, जितने भी लोग हिंदी मीडियम से उनको मैं बता दूं कि सरन मैम ये जो यजना है ये आपका हवन जिसको हम बोलते हैं उसी को हम यहाँ पे यजना देख रहे हैं। तो चलिए जवाब दे दीजिएगा, ये जो सवाल है ये हमारा वैदिक, वैदिक के पार्ट से पूछा जा रहा है। देखिए हमने आज थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया, तो ऐसे ही हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हम लोग देख लेंगे कि कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, और फिर हम लोग अपना जो टॉपिक है वहां पे हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे बहुत सारे, जहां पे आप लोग ऐसे ही तरीके का जो सवाल है जो पूछा जा सकता है 2021-22 में, तो वही चीज आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे चीजों के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। चलिए सोनम ने जवाब दे दिया है, अरुण ने, दिव्यांग ने जवाब दे दिया, ऑप्शन डी मिले हैं जवाब में, ऑप्शन सी मिले हैं जवाब में, हम देख लेते हैं ऑप्शन सी होगा हमारा सही जवाब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने सोनम, सबसे पहले जवाब दिया है, बिल्कुल सही दिया है। फिलिप्स 2012 में पूछा गया इस सवाल का, हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए अगर हम लोग वैदिक एज को के बारे में बात करते हैं, तो वैदिक एज में, वैदिक एज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है हमारा, वैदिक एज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है हमारा अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक, और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक। ठीक है, दूसरा है हमारा लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक एज जो है वो मतलब जहां पे हम लोग ऋग्वेदा को पकड़ के आगे बढ़ते हैं, जहां का एकमात्र लिटरेरी सोर्स है ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक पीरियड में हम बाकी तीन वेद्स को, वेदस को देख सकते हैं, जहां पे हम शाम, यजुर और अथर्ववेद को भी देख सकते हैं। तो वैदिक जो पीरियड है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये जो हमारा ऋग्वेदा है, यहां से हम लोग एक चीज पता कर सकते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में वहां पे जितने भी देवता थे वो उसमें से बहुत ही ज्यादा फेमस थे अग्नि। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा फेमस थे अग्नि। अग्नि के बाद हम लोग बात कर सकते हैं इंद्र की, अग्नि के बाद हम लोग बात कर सकते हैं इंद्र की, इंद्र के बाद हम लोग बात कर सकते हैं वरुणा की। ठीक है, तो ये जितने भी देवी देवता थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस थे दोस्तों। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ सर, लेटर वैदिक पीरियड में ये जो देवी देवता थे इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा कम हो गया, यहां पे आ गए हमारे तीन जो देवों के देव महादेव आ गए, यहां पे हमारे आ गए ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों देवता लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे। तो हम जब वैदिक एज के बारे में डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में, वहां पे हम लोग देखेंगे कि वहां का रिलीजन जो है ऐसे ही वैरी करता था। तो क्या अभी तक आपको जो जो चीजें मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है? अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज कमेंट यस। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक, अगर आपको सब कुछ सही से पता चला है, अगर सब कुछ सही से समझ में आया है, तो आप यस बोल के हमें बताइएगा ताकि हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए और एक बोनस सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपके लिए और एक बोनस सवाल मैंने रखा है, जो कि इसी
इसी जगह से है जो कि हमारा वेदिकेत से ही है। तो वेदिकेत से और एक सवाल जो आपको 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 पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे तरीके का सवाल काफी टाइम पे पूछ लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा वेद है, चारों वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जहां से हमें मंत्रास और चैंट्स मिलते हैं। काफी सारे मंत्रास और चैंट्स हमें मिलते हैं, ऐसा कौन सा वेद है? तो फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से जवाब दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदर्स, इन चार वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जहां से हमें चार्म्स और स्पेल के बारे में पता चलता है? चलिए, चार ऑप्शन हम आपके सामने है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड सामवेदा। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं ऑप्शन डी, सोनम बोल रही है ऑप्शन डी, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, क्या होगा हमारा इस सवाल का सही जवाब? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन चार्म्स एंड स्पेल्स, चार्म्स एंड स्पेल्स कौन से वेद से हमें मिलता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा। दिव्यांग सुधीश का उत्तर मिल गया है, सोनम का जवाब मिल गया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे। चलिए, और भी लोग अगर कोशिश करना चाहते हैं, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जवाब दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आज पहला क्लास है, अगले दिन से जवाब देंगे तो भी सही है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द आपसे मिलने वाला हूं। टुमारो आई विल बी हियर फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स, 7 से 8 बजे तक हमारा जो ये सेशन है ये चलता रहेगा। हर दिन 7 से 8 बजे तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री को लेके हम बात करेंगे, और आज हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट टुमारो व्हेन वी स्टार्ट वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर कि कौन कौन से पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछे गए। तो इसका जवाब हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी, अथर्ववेद इज आवर आंसर, सरन मैम। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अथर्ववेद। यहां से हम 2-3 एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख सकते हैं अथर्ववेद के बारे में, काफी सारी चीजें हम देख सकते हैं। 7-11 हाइम्स है, इसको 20 मतलब उसमें खंडस में इसको रखा गया है, इसको हम मैजिकल चार्म्स के साथ ये डील करता है, ये हमें पता है कि फोक ट्रेडिशंस के बारे में ये डील करता है हमें पता है, इसको हम मैजिक फॉर्मूला की भी किताब बोल सकते हैं। तो काफी सारी चीजें मैजिक से जुड़ी हुई है वो अथर्व वेद से मिलता है, और इसको हम लेटेस्ट वेदा भी काफी टाइम पे बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को लेके आज मेरा जो क्लास था वो था हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर। सरन मैम, ये था आपका पहला क्लास जहां पे हमने बात किया कि ये जो जगह है, जो सबसे पहला टॉपिक है यूपीएससी का, जहां पे हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं यूपीएससी टाइम टू टाइम, तो यहीं से हमारे को कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से जगह से पूछे जा सकते हैं, ये सब हमने देख लिया आज। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम शुरू करेंगे हमारा जो कहानी है वो कहानी होगा एनसीईआरटी हिस्ट्री का। क्लास 12th का एनसीईआरटी हिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़ के आइएगा, वहां से और भी चीजें हम लोग जानने की शुरू करेंगे, बहुत सारे सवाल रहेंगे उसी किताब से, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से अच्छी चीज और भी पता चलती रहेगी। मैं अपने तरफ से बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेके भी आऊंगा, तो मिलते हैं टुमारो। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।